आप सभी को नमस्कार। आज मैं कटहल के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, कटहल का जो वैज्ञानिक नाम है एट्रोकार्पस हेट्रोफिलस है। देखिए, ये कटहल मुझे तो सबसे अच्छा तब लगता है जब ये पक जाता है, जब उसका कोआ होता है ना, तो मैं खूब खाता हूँ। यानी मतलब अगर 30-40 कोआ मिल जाए तो खाने में बड़ा मज़ा आ जाता है। देखिए, इसमें सबसे इसकी खास बात, अगर मान लीजिए इस छोटे साइज़ में आजकल बाज़ारों में इसी साइज़ में बिकता है, बहुत बड़ा होने ही नहीं पाता है, क्योंकि ये पेड़ों में ही फटने लगता है। बड़ा होने पर सब्ज़ी नहीं बनती है, तो ये छोटे होने पर ही इसकी सब्ज़ी बनती है। तो इसका जो है टेस्ट कुछ मीट लाइक आता है, कि अगर ये जैसे मीट लाइक तल कर बनाया जाता है तो मीट जैसा भी लगता है। इसमें फाइब्रस होता है और इसे सीजन में ज़रूर खाना चाहिए इसकी सब्ज़ी को। और इसकी सब्ज़ी से जो है हेल्थ को बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि प्रकृति ने समयानुसार अलग अलग फलों में अलग अलग विटामिन और मल्टी विटामिन दे रखी है। तो देखिए, ये जैक फ्रूट जो है प्लांट में ये जड़ से भी नीचे तक लगता है। ये देखिए, यहाँ पर एक दूसरा फल है, एक ये फल है। तो इसका जो फल होता है वो जड़ से ही लगना प्रारंभ हो जाता है, ऊपर तक जाकर लगता है। जैसे कहा, एक कहावत है, बाबक बाग में बड़ा जनेवा, कुंदरू महके जैसे मेवा, बुझा कावा। तो उसमें जो है ये कटहल होता है, क्योंकि ये जब महकता है ना, जब पकता है ना, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है और खुशबू बड़ी ही मज़ेदार होती है। कटहल की पत्ती को जब तोड़ते हैं तो इसमें जो है दूध निकलता है। तो ये दूध क्या है, और कटहल को भी काटा जाता है तो इसमें दूध निकलता है, तो वो दूध क्या होता है? अक्सर ये जितने भी प्लांट होते हैं, ये प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो बाहर निकाल दिए जाते हैं, चाहे जो हुआ, चाहे आपके बरगद हुए, कनेर हुआ, उसके बाद मदार हुआ, और ये कटहल, ये जो दूध होता है ये हम फायदेमंद नहीं होता है। ये एक तरह से प्लांट का उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसलिए जब हम इसको काटते हैं तो इसके दूध को जो है अच्छी तरह निकाल देते हैं। और काटते वक्त अक्सर जो है लोग इसलिए भी नहीं काटते हैं, क्योंकि इसका दूध जो है हाथ में लग जाता है, तो इसे सरसों के तेल से ठीक कर लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर।